हे गाइस, हाउ आर यू। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यूनिट डिजिट के पहले दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट के तीसरे ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम जो 2, 3, 7 और 8 से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसको कैसे सोल्व किया जाता है बिल्कुल ईजी वे में। हंसते हंसते हम बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा थर्ड ग्रुप रह गया था यूनिट डिजिट के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से नंबर थे? 2, 3, 7 एंड 8। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। उसमें जो पहले दो ग्रुप्स है, अगर आपने उसके बारे में नहीं देखा तो इस ग्रुप में भी, मतलब अगर आपका कर भी लगे तो यूनिट डिजिट के बारे में पूरा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप थर्ड ग्रुप के बारे में देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें 4 नंबर होते हैं, 2, 3, 7, 8। और इसमें क्या होता है, जैसे 2 की पावर 1 क्या होता है? 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। लेकिन 16 के बाद हम देखते हैं कि 5 करने पे 32, 64, 128, 256 ऐसे आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इनकी यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, वो हम देख सकते हैं कि 2, 4, 8, 6। ठीक है गाइज। और ऊपर मैंने एक बात लिखी है कि रिपीट आफ्टर 4 वैल्यूज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर 4 वैल्यू के बाद जो ये 2, 4, 8, 6 है वो रिपीट हो जाता है। आप देख सकते हैं 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। ठीक है गाइज। अब मतलब कि जब 2 की पावर 1 है या 5 है या 4 और बढ़ा दो 9 है, तो 2 ही रहेगा। ठीक है गाइज। और इसमें जो साइक्लिसिटी है वो हर 4 नंबर बाद रिपीट होती है, मतलब जो 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, मतलब कि हर चार पावर के बाद इसकी जो यूनिट डिजिट है वो सेम आती है, सेम आती रहती है। ठीक है, ऐसी सेम कंडीशन 3 के साथ भी है कि 3 की पावर 1 की 3 है, फिर 9, फिर 27, 81, मतलब कि लास्ट डिजिट देखिए 3, 9, 7, 1, 4 के बाद रिपीट होगी 3, 9, 7, 1। ठीक है गाइज। ऐसे ही 7 के बारे में देखिए, 7, 9, 3, 1। ये क्यों? क्योंकि देखो 7, 7 जा 7, 7 को एक बार और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, यानी कि 9 लास्ट डिजिट। और 7 की पावर 3 में 3, उसके बाद इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, मान लो 21, 7 या 21 होता है तो लास्ट का डिजिट क्या आई? 1। तो देख सकते हैं कि 8 के साथ भी सेम केस है। ठीक है गाइज, कि जो 8, 8 की पावर 1 है वो 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096। ठीक है, इसमें भी सेम 8, 4, 2 और 6, यानी 8 को एक बार मल्टीप्लाई किया, 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 64 4। ठीक है, मैं अब 64 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं अब इस 4 को 8 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एंड डिजिट ही जो यूनिट डिजिट है वही हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 चौके 32, 2 आ गया, 8 दूनी 16, लास्ट की जो डिजिट होगी वो 6। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, कि इसमें भी हर 4 नंबर के बाद नंबर रिपीट होते हैं, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6। ठीक है, 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1। ठीक है गाइज, एक बार आप इसको थोड़ा सा समराइज कर सकते हो, या फिर खुद चाहे समराइज ना भी करो, तो अगर 2 की पावर 3 मैं पूछ लूंगा तो आप क्या करोगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ जाएगा एंड एंड डिजिट में 8। तो दोस्तों, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये चीज़ क्या है, लेकिन इन्हें हम जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि हर 4 के बाद रिपीट होता है। लेकिन देखिए, अगर किसी की पावर, अच्छा तो चलो देखिए, एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन के जरिए आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो हमें क्या है, 853 की पावर 82 निकालनी है। तो यहाँ पर जो पावर है हमारी 82, इस 82 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? हम ये देखेंगे कि 82 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद शेष क्या बचेगा। क्यों? क्योंकि जो 3 है उसकी पावर हर 4 नंबर के बाद अपनी साइक्लिसिटी रिपीट करती है, यानी कि जो जो सीक्वेंस चलता था वो रिपीट होता है। जैसे कि 3, 9, 7 और 1 का जो ये सीरीज था वो रिपीट होता है। ठीक है, ये वाला 3, 9, 7, 1। ठीक है गाइज, तो लेकिन 82 इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 80 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 82 में बच कितना जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। यानी इसकी पावर 3 की पावर कितनी बच जाएगी, जो यूनिट डिजिट 3 है उसकी पावर कितनी बच जाएगी, उसकी पावर बच जाएगी 2। तो 3 की पावर 2 करने पर आ कितना गया हमारा, 9। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, हमें और किसी से मतलब नहीं, चाहे यहाँ कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दिया हो। ठीक है गाइज,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका आप बिल्कुल बेचिंत रहिए, आपका डाउट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा और आई होप कि आपका इस क्वेश्चन से भी बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, अब जैसे कि यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 7, 7 की पावर क्या है 65, 65 को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि हमें 7 की यूनिट डिजिट चाहिए और हमें पता है 7 की जो यूनिट डिजिट है वो चार नंबर के बाद, सॉरी वो चार पावर के बाद अपनी साइक्लिसिटी रिपीट करती है। ठीक है गाइस, तो अब 7 चाहिए हमें, 7 एज इट इज, 65 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 की पावर 1 7। ठीक है गाइस, अब देखते हैं, अब यहाँ कितना भी बड़ा नंबर हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट है 2 तो 2 एज इट इज रखा। और अब देखिए यहाँ 3, 4, 2, 3 है, आप क्या करोगे, आप इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, लेकिन नहीं दोस्तों, हमने अभी आपको बताया कि चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो अगर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, और अगर वो लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर डिविजिबल है, तो हमें क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट ही डिवाइड करने हैं 4 से, डिवाइड किया तो हमारा 3 रिमाइंडर बचा, तो 2 की पावर मतलब 3 बच जाएगी, 8। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं 4 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी साइक्लिसिटी है वो 4 के बाद रिपीट होती है, यानी हर 4 नंबर के बाद रिपीट होगा, तो मैं यही देख लूँगा कि मुझे शेष कितना बचेगा, तो मतलब बार बार वही रिपीट होने के बाद जो जितना बचेगा वो उसकी पावर उतनी ही होगी, जैसे यहाँ 3 बचा तो 2 की पावर 3, यहाँ 1 बचा तो 7 की पावर 1, यहाँ 2 बचा तो 3 की पावर 2, ऐसे ही। अब देखो दोस्तों, मैं आपको अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है 918 की पावर 8326, इसमें क्या है, हमें यूनिट डिजिट चाहिए, हमने यूनिट डिजिट उठा ली, अब 8326 8326 है, पूरे को भाग नहीं करेंगे, आपको पता है 26 को ही भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर, जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो हमें 8 की पावर उतनी ही लगा देनी है जितना 4 के बाद डिवाइड करने पे हमें शेष रह गया, तो 8 की पावर 2 यानी कि 8 8 64, तो हमारा यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 4। ऐसे ही हम इसके केस में करेंगे, हमने 3 उठा लिया यहाँ पे और 8241, हमने 41 को डिवाइड किया 4 से, हमारा रिमाइंडर बचा 1, तो 3 की पावर उतनी रख दो जितना रिमाइंडर बचा, 3। ठीक है गाइज, अब यहाँ है 2, यहाँ है 27, 27 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आया 3, तो 2 की पावर 3 8। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, ये लास्ट के जो दो क्वेश्चन हैं ये हमारे बिल्कुल एंड के क्वेश्चन हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ कि यहाँ हमें 2 की पावर चाहिए, 2 की पावर है 712। ठीक है गाइज, लेकिन हमें पता है कि इसका जो लास्ट 2 डिजिट है 12। अब आप कहोगे सर 12 तो 4 से पूरा डिवाइड हो गया, शेष तो बचा ही नहीं, 0 ही बचा, तो 0 बच जाने का मतलब ये है कि पावर या तो 4 है या 8 है या 16 है, यानी जब 0 बचता है तो आप 4 वाली पावर लेंगे, 8 वाली पावर लेंगे, क्योंकि इसी को 4 को 8 को 12 को डिवाइड करने पे हमारा 0 बचता है। ठीक है, तो हम 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, हम 2 की पावर 4 लिख लेंगे। ठीक है, हम यानी हमारा चौथा नंबर जो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है, तो 2 की पावर हमने 4 लिख ली, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना, हमारा जो इसका जो मल्टीप्लीकेशन में लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 6। ठीक है, क्योंकि 2 2 4 4 8 8 16। ठीक है गाइज, मतलब जब पूरा डिवाइड हो जाता है इसका मतलब होता है कि आप पावर देखें 4 नंबर वाली। ठीक है, अब जैसे 3 की पावर कितनी चाहिए, 8 13 13 को डिवाइड करो 4 से, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1, यहाँ 8 है और ये 92 है, 92 जब डिवाइड करेंगे 4 से यहाँ भी 0 बचेगा, 0 बचेगा मतलब हमें पावर कितनी रख देनी है, 4, 8 की पावर 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसका क्या कहते हैं यूनिट डिजिट, क्योंकि 8 8 64, 64 में 4, 4 को फिर 8 से, 8 4 32, 2 को फिर 3 से, तो नहीं 2 को 8 से, तो 8 2 16। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे 7 की पावर 91 है, हमें 91 को 4 से डिवाइड करना है, तो कितना शेष बचेगा, 3, तो हमने 3 रख दिया। अब इनका यूनिट डिजिट निकालो और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन करते रहो और हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा एंड में, 8। तो दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद सोल्व कर सकते हो, मैं कहता हूँ आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है यूनिट डिजिट में, तो ये तो हमें पता है फर्स्ट कैटेगरी के हैं और ये चेंज कभी नहीं होंगे, तो इनका 1 और 5 तो आ गया, ये हमारे थर्ड ग्रुप के आ गए 2 और 7
टू और सेवन थर्ड ग्रुप के आ गए, तो टू की पावर कितनी है, 418। 418 को क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड कर देना है, सॉरी 18 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। तो 18 को डिवाइड किया 4 से, कितना शेष बचा, 2, ठीक है। और 2 बचा तो 2 की पावर कितनी चढ़ा देंगे हम, 2, और इधर 7 की पावर 107 है, तो 07 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा शेषफल, 3, तो 7 की पावर 3, और यहाँ 5 था, इनका यूनिट डिजिट निकालो जो इसका और इसका, इसका आ जाएगा 4, इसका कितना आ जाएगा 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, 3, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको पता होगा कि ये 3 कैसे आया यूनिट डिजिट 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट ले लीजिए। अब इन सबको जोड़ लीजिए, तो ये आया हमारा 13, 13 में भी यूनिट डिजिट क्या है, 3। और आई होप कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा। देखिए हमने हंसते हंसते इस कॉन्सेप्ट को कैसे पार कर लिया, और मुझे लगता कि आपको यूनिट डिजिट का कोई क्वेश्चन अटकेगा। तो दोस्तों मैं जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे टाइप के यूनिट डिजिट के क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा कि हाँ इनको कैसे किया जाता है, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और क्योंकि आपका तो भला हो ही जाएगा और जिनको थोड़ा सा मैथ वीक है उनका भी भला हो जाएगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।